शिमला जैसे मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि शिमला के संजौली मस्जिद से जो विवाद शुरू हुआ था वो हिमाचल के दूसरे हिस्सों में अब जाता हुआ दिख रहा है। हिमाचल में शिमला के बाद मंडी और अब दूसरे हिस्सों में भी मस्जिद विवाद देखने को मिल रहा है। सुन्नी कुल्लू में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां बिलासपुर और सिरमौर में भी सड़क पर लोग उतरे, बाहरी लोगों के वेरिफिकेशन की मांग कर रहे हैं। दूसरे लोगों के राज्य में आने से घुसपैठ की आशंका स्थानीय लोगों को है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कुल्लू की तस्वीरें, हिंदू संगठनों ने कैसे प्रदर्शन किया ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ के लोग आशंकित हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो घुसपैठिए हैं, जो लीगल नहीं है यहाँ रहने के लिए, और ऐसे में उन लोगों के वेरिफिकेशन की मांग को लेकर लोगों ने सड़कों पर उतर कर कैसे प्रदर्शन किया, ये तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहले ये शुरुआत हुई शिमला की अवैध मस्जिद से, फिर उसके बाद मंडी में इसी तरह का मामला सामने आया जैसा शिमला में सामने आया था, और वहाँ मुस्लिम लोगों ने अपनी मस्जिद को जो अवैध तरीके से बनाई गई थी उसे खुद तोड़ा था। और अब उसी चीज की आशंका को लेकर कुल्लू में लोग सड़कों पर उतर आए। मिला जुलाकर बात यह कि हिमाचल में मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 11 सितंबर को शिमला में स्थानीय लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके खिलाफ हिमाचल में आज बंद का आह्वान किया गया। विश्व हिंदू परिषद ने बंद बुलाया था, जिसका अलग अलग शहरों में असर देखने को मिला। इस बीच शिमला में लोग सड़क पर एक साथ उतरे हुए दिखाई दिए। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ डेमोग्राफी चेंज लोगों की चिंता है, दूसरी तरफ अवैध मस्जिद के खिलाफ लोगों के प्रदर्शन पर पुलिस के एक्शन के बाद ये प्रदर्शन की तस्वीरें शिमला से सामने आ रही है। ये राजधानी शिमला की तस्वीर। 11 तारीख को लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। अवैध मस्जिद के डिमोलिशन की बात उन्होंने कही थी, कहा था कि अवैध हिस्से को गिराया जाए क्योंकि इससे उस क्षेत्र में अराजकता बढ़ी है। सरकार ने कहा कि निगम के कोर्ट कमिश्नर के फैसले का इंतजार करेंगे, और फिर लोगों ने जब प्रदर्शन किया था तो उन पर लाठीचार्ज हुआ था, और फिर लाठीचार्ज के बाद अब लोगों का गुस्सा किस तरह से सामने आ रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने बंद का आह्वान किया, और यहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे सड़कों पर उतरकर लोगों ने नारेबाजी की। अब मैं आपको तीन तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की दिखाता हूं, तीन अलग अलग शहरों की तस्वीर। शुरुआत में इस तस्वीर के साथ करता हूं, यहां सब कुछ आपको बंद दिख रहा है, पुलिस रास्ते में तैनात है। ये मंडी की तस्वीर है, और मंडी में आप देखें कि कैसे इस बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। लोगों ने सहयोग किया, दुकानों को बंद रखा। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं, ये राजधानी शिमला की तस्वीर है, और शिमला में भी बाजार बंद रखे गए, लोग सड़कों पर उतर आए, अवैध के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अवैध के खिलाफ प्रोटेस्ट से ज्यादा लोगों का गुस्सा पुलिस की कार्रवाई को लेकर है कि पुलिस ने लाठीचार्ज आखिर क्यों किया लोगों पर। और ये जो तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मस्जिद विवाद में जो बंद का ऐलान किया गया, कुल्लू में भी लोगों ने डेमोग्राफी चेंज के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। लोग आशंकित है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग इलीगल तरीके से रह रहे हों, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि बेतरतीब तरीके से जनसंख्या बढ़ी है पिछले कुछ समय से, एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों की संख्या बढ़ी है, और इसको लेकर लोग आशंकित हैं और उन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। शुरुआत हुई थी शिमला वाले मामले के साथ। इधर अवैध मस्जिद और बाहरी लोगों की घुसपैठ को लेकर स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। संजौली में अवैध मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज हिमाचल बंद का ऐलान किया गया है, और इसमें तमाम हिंदू समाज से जुड़े संगठन और इसके साथ साथ व्यापार मंडल ने भी बंद का आह्वान किया है। आज दोपहर 1:30 बजे तक जो बाजार हैं हिमाचल प्रदेश में वो बंद रहेंगे। इस वक्त हम मंडी जिले में हैं, यहाँ पर भी एक मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ कल लोगों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, और आज हिमाचल बंद का असर यहाँ नजर आ रहा है। बहुत सारी जो दुकानें हैं, जो बाजार हैं, वो बंद नजर आ रहे हैं। आमतौर पर आप देखेंगे कि ये मंडी का बिल्कुल हम बीचों बीच मंडी में खड़े हैं, बहुत ही व्यस्त इलाका है, मुख्य बाजार है, लेकिन यहाँ दुकानें आज पूरी तरीके से बंद हैं, ताले लगे हुए हैं। और जिस तरीके से कॉल दी गई थी हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल की तरफ से, उसका यहां पर असर नजर आ रहा है। इसके साथ साथ हिंदू समाज के जो संगठन हैं उन्होंने भी संयुक्त रूप से बंद का ऐलान किया था। और चलिए बात आमिर की करते हैं, उस आमिर की बात करते हैं जिसके कारनामे को आप सुनेंगे तो अगली बार बाहर कुछ खाने पीने से पहले 10 बार सोचेंगे।
आप जूस ये सोचकर पीते ना कि आप कुछ हेल्दी खा रहे हैं, आप बाहर का तला भुना खाने से बच रहे हैं। गाजियाबाद की जरा इस खबर को देखिए, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहां पर एक दुकान पर क्या हो रहा था। यहां एक दुकान में लोगों को जो जूस पिलाया जा रहा था उसमें कुछ ऐसा मिलाया जा रहा था जो सीधे सीधे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। और अगर इस वक्त आप कुछ खा पी रहे होंगे और मैं आपको बताऊं कि उसमें क्या मिलाया जा रहा था, तो हो सकता है कि आपको वोमिटिंग होने लगता है। दुकानदार की मानसिकता को दर्शाता है कि वो आखिर किस तरह से लोगों को चीजें परोस रहा है। घटना समझिए, ये बहुत हैरान करने वाली खबर है। जूस में इंसान का यूरिन मिलाकर पिलाया जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। आमिर नाम का शख्स जो दुकान चलाता है उस पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो यूरिन मिलाकर पिलाता है, ये इंसान का यूरिन है। जूस कॉर्नर और दुकानदार पर पुलिस ने अब कार्रवाई की है। जूस कॉर्नर का मालिक आमिर है और उसका साथी जो दोनों ये मिलकर कर रहे थे उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। नाम दुकान का है खुशी जूस कॉर्नर। लोगों को टेस्ट में जब थोड़ा सा अटपटा सा लगा, टेस्ट थोड़ा सा कड़वा लगा, तो उन्होंने फिर उसके बाद छानबीन की और पता चला कि वहां तो इंसान का यूरिन रखा हुआ है। उसके बाद लोगों ने इस शख्स की जमकर धुनाई की। जैसे ही मामला सामने आया लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आमिर नाम का शख्स जो दुकान चला रहा था उस पर आरोप है कि वो जूस में यूरिन जो कि इंसान का है वो मिलाकर ग्राहकों को पिलाता था। बड़े हैरान करने वाली घटना। कितने दिन से ये कर रहा था ये पता नहीं है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता करेगी। इलाके के लोगों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की है, दुकानदार को मारा पीटा और फिर इसके बाद शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दुकानदार आमिर और वहां काम करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की छानबीन की जा रही है। हैरानी तो इस बात की है कि जूस कॉर्नर के अंदर पुलिस को यूरिन से भरी एक बोतल भी बरामद हुई। इंद्रापुरी चौकी क्षेत्र में जनता के द्वारा सूचना दी गई कि एक दुकान खुशी जूस कॉर्नर के संचालकों द्वारा जूस में मानव मूत्र मिलाया जाता है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो दुकान से एक केन से करीब एक लीटर मानव मूत्र प्राप्त हुआ है। दुकानदारों से पूछने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल आमिर सनाफ साबिर खान तथा उसके एक बाल अपचारी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।